to my channel. Exercise 3.3, question number 5. Consider this data collected from a survey of colony. तो एक कॉलोनी का सर्वे करके एक डाटा कलेक्ट किया गया है जिसमें जो फेवरेट स्पोर्ट्स दिए हुए हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स. तो उसको जो वॉच करने वाले हैं वो पर्सन कितने दिए हुए हैं? 1240, 470, 510, 423 और 250. तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में तो उनकी गिनती दी हुई है 620, 320, 320, 250 एंड 105. तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे ड्रॉ ए डबल ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल. तो यहाँ पे बताया है कि डबल ग्राफ को यूज करेंगे ये डाटा को यूज करके. एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? तो बार ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे. तो यहाँ देखते हैं ये एक बार ग्राफ बनाया है तो हम यहाँ पे डबल ग्राफ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो जो है पार्टिसिपेट करने वाला है, एक वॉच करने वाला है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है गेम्स को और जो वर्टिकली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फेवरेट स्पोर्ट्स को. जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100% है. ये जो मैंने डिफरेंस छोड़ रखा है 100 का तो स्केल कितना आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100%. तो आगे है ये जो मैं ग्राफ है ये एक मैंने ब्लू पेन से किया है एक ब्लैक पेन से. तो इससे क्या होगा जो आपका जो टेबल है थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा. तो आप यहाँ देखते हैं बार ग्राफ में ये डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट है क्रिकेट. तो क्रिकेट 1240 लिखा हुआ है तो 1240 कहाँ आएगा? ये 1240 है तो यहाँ 1200 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा. तो इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक आ गया ये क्रिकेट का जो वॉच कर रहे हैं, ये वॉचिंग का आ रहा है. नेक्स्ट है उसको पार्टिसिपेट करने का. तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिकेट में वो कितने हैं? 620. तो यहाँ पे ये 600 और 700 के बीच में टोटल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं. 600 और 700 के टोटल 10 पार्ट्स है तो 620 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे ये आ गया 620. तो आगे देखते हैं ये जो 620 है ये पार्टिसिपेट का है. तो बास्केटबॉल का देखते हैं वॉचिंग जो वॉच कर रहे हैं बास्केटबॉल वो 470 है तो 470 कहाँ पे आएगा? ये 400 और 500 के बीच में. तो 400 और 500 के बीच में 470 कहाँ होगा? इन टोटल के कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स. तो 70 कहाँ ले लेंगे? यहाँ पे हाफ के थोड़ा सा ऊपर. तो यहाँ पे ले लेंगे इसको यहाँ लिख देंगे ये ग्राफ में इसको ड्रॉ कर देते हैं 470. तो ये 470 आ गया. आगे उसको पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 320. तो 320 कहाँ पे आएगा? ये 300 और 400 के बीच में. तो 300 400 के जो टोटल पार्ट्स है वो भी 10 दिए हैं तो यहाँ तक आएगा 320. तो इसको इसके इक्वल ले लेंगे यहाँ पे तो ये आ गया 320. आगे है स्विमिंग पूल. तो स्विमिंग जो है स्विमिंग में वॉचिंग कितना है? वॉच करने वाले हैं 510. तो यहाँ पे 500 और 600 के बीच में है तो 500 और 600 का 510 कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे 500 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले लेंगे स्विमिंग का तो ये इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएगा 510. तो उसको पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं स्विमिंग को? 320. तो 320 कहाँ पे आएगा? ये 300 और 400 के बीच में ही आएगा 320. तो यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा 320. तो यहाँ पे इसको इसके बिल्कुल सामने ये ड्रॉ कर देते हैं. आगे है हॉकी. तो हॉकी कितना है? 423. तो 400 और 500 के बीच में ही है ये 423. तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे
20 यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। आगे उसको पार्टिसिपेट कितने लोग करे हैं 250, तो 250 कहाँ पे आएगा, 200-300 के अंदर ही आएगा। तो ये 200-300 के बीच वाला गैप 100 का है, तो सेंटर में ले लेंगे यहां से यहां तक। तो ये आ गया हॉकी। आगे है एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स कितना है 250, तो 250 कहाँ आएगा 200-300 के बीच में, तो ये आ जाएगा बीच में 250, तो यहां ही आएगा इसको, तो ये ड्रॉ कर दिया इसको। नेक्स्ट है उसकी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं 105, तो 105 कहाँ पे आ रहा है, 100-200 के बीच में है, यहाँ पे ही आ जाएगा, तो ये इस पॉइंट पे आएगा 105। तो ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आगे उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन था विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो कौन सा जो स्पोर्ट्स है वो ज्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ ग्राफ में देखो किसका डाटा सबसे ज्यादा जा रहा है, वो है 1240, ये वाला डाटा 1240, ये डाटा सबसे ज्यादा जा रहा है, तो वो उसको जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितने हैं 620, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कौन सा आएगा क्रिकेट, तो लिख देंगे यहाँ पे क्रिकेट, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड पार्ट में लिखा है विच इज द मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट्स, तो अगर आप देखो तो जब भी आप कोई स्पोर्ट्स को देखने जाते हो तो पार्टिसिपेट करने वाले कम होते हैं और वॉच करने वाले ज्यादा है, तो इसलिए जो वॉचिंग वाले हैं उनकी गिनती ज्यादा होती है, तो लिखेंगे वॉचिंग स्पोर्ट्स प्रेफर्ड मोर देन पार्टिसिपेट पर्सन, तो वॉच करने वाले स्पोर्ट्स में हमेशा ज्यादा होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के कंपैरेटिव।